अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र अंतर्गत देवसीपुर गांव निवासी हरिराम के घर बीते 4 जून 2022 को रायबरेली जनपद के जैतपुर से बारात आई थी। द्वार पूजन के दौरान डीजे की धुन पर बाराती घराती लोग डांस कर रहे थे। इसी बीच बिना बुलाए आरिफ पुत्र निजाम, शान गुड्डू पुत्र हकीम, महमूद पुत्र मकसूद निवासी हरकनपुर थाना जामो, मोहम्मद मोहित निवासी मवई अपने दर्जनों साथियों के साथ पहुँचे और डांस कर रहे लोगों को हटाकर डांस करने लगे। मना करने पर असलाह दिखाकर गाली गलौज की और मारपीट करने लगे, जिसका घराती की तरफ से सुशील सूरज आदि ने विरोध किया तो उन्होंने असलाह लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस दौरान दूल्हे के पिता का पैसों से भरा बैग भी छीन लिया गया। बारातियों में भगदड़ मच गई। करीब 2 घंटे बाद भय के माहौल के बीच में शादी संपन्न हुई। दूसरे दिन 5 जून को सुशील और सूरज गांव के पास स्थित पूरे चिताई चौराहा पर सब्जी लेने गए थे। वहां पहले से मौजूद आरिफ, शान, गुड्डू, महमूद ने अपने साथियों के साथ सुशील और सूरज की जमकर पिटाई कर दी और कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्टल निकालकर लहराते हुए फरार हो गए। सूरज कुमार देवसीपुर गोरियाबाद थाना जामो। क्या समस्या है? इस समस्या ये कि बारात में वो लोग आए थे, वहाँ पे पिस्टल उस्टल दिखा रहे थे, लड़ाई झगड़ा किए, उसके बाद वहाँ से भगा दिए हम लोग। उसके बाद वो दूसरे दिन बाजार गए थे, वहाँ से लौट के आ रहे थे, 6-7 लोग आए बाइक लगा के पिस्टल लगा के मारने लगे। तो FIR हो गया है थाना जामो में।